सीजीपीएससी के रिजल्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर भाजयुमो द्वारा सोमवार को रायपुर में किए गए मुख्यमंत्री निवास घेराव आंदोलन में प्रदेश भर से पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों और भाजयुमो के युवा कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आभार जताया है। प्रिय युवा भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर पीएससी घोटाला के विरुद्ध आप सभी विद्यार्थी भाई बहन, युवा साथी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भरी दोपहरी में जिस उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बैरिकेड्स तोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से आज बैरिकेड्स तोड़े हैं, कल इस युवा विरोधी जन विरोधी सरकार का गुरूर भी तोड़ेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस जन विरोधी युवा विरोधी छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का और सभी युवा साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। आइए इस आंदोलन को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। आपके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।